72वें गणतंत्र दिवस पर मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क में एतमादपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के करकमलों द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि देश को अगर तरक्की पर ले जाना चाहते हो तो सबको मिलकर देश विकास करना होगा। नवबारा समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन की रिपोर्ट। अपील करता हूँ कि सभी लोग मिलकर इस देश के गठबंधन को मजबूत करें, हिंदुस्तान को मजबूत करें। संविधान लिखा गया संविधान सभी करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के लोगों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ देश के सभी लोग मिलकर हिंदुस्तान को मजबूत करने का। सिसोदिया हमारी यमुना पास समाजवादी पार्टी से सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ऐसा संविधान बनाया जिससे सभी लोगों को आज आजादी से जीने का मौका मिला है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, स्वतंत्रता से रहने का उन्होंने अधिकार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे मौलाना अब्दुल पार्क में हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी धर्मपाल जी ने आज झंडारोहण का कार्यक्रम किया है और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनको बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। मैं यामिन कादरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मायावती विभाग के सेक्रेटरी, आज मौलाना अबुल पार्क में 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संविधान से जब जब छेड़छाड़ की है, संविधान के चेता के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ तमाम उनकी कमेटी के साथ देश का प्रत्येक नागरिक संविधान में विश्वास रखता है, सड़क पर आकर बताया है और संविधान को बचाया है। इसलिए मेरा ये निवेदन सभी देशवासियों से कि संविधान में जब जब कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा उसके मुंह को खाने खिलाने के लिए सड़क पर आना होगा और इस संविधान की रक्षा करनी होगी। तो देश की आजादी से लेकर आज तक हम करते चले आ रहे हैं। सभी को गणतंत्र 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस पर क्या इस 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई। मौलाना शफीकुर रहमान साहब का धन्यवाद कि इस अबुल कलाम आजाद पार्क में वो हर वर्ष की तरह उन्होंने आज भी इस 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने का काम किया। आज के इस अवसर पर उन तमाम नामी और गुमनामी अमर शहीदों को नमन करता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस संविधान लागू करने का रचने का काम किया। आज देश में तमाम धर्म और तमाम मजहब और उनकी पवित्र चाहे कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, उन सभी पवित्र किताबों को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उन्हें अपने आप में समाहित करने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रच के उन्हें पुनः नमन करते हुए नौजवानों से चाहूंगा कि देश को आजादी तमाम वीर सपूतों ने दी, तमाम बुजुर्गों ने दी, अम्बेडकर साहब ने संविधान बना के उसे बचाने का काम, सबको एक साथ पुरोने का काम किया। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, नौजवानों को रास्ता दिखाएं, बच्चों का ख्याल रखें। इससे यही हमारा संविधान के प्रति श्रद्धा हो सकती है और इस गणतंत्र की पुनः बहुत बहुत बधाई।